हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार पाल आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि आधार कार्ड हमारे लिए कितना मैंडेटरी हो चुका है आजकल की डेली लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है हमारी आधार कार्ड से रिलेटेड है। जैसे कि फ्रेंड्स, कभी कभार हमारे साथ क्या होता है कि हम अपना आधार नंबर भूल जाते हैं या आधार कार्ड हमसे खो जाता है, या हमें कभी अर्जेंट में ऐसा होता है कि हमें अपना आधार कार्ड नंबर निकलवाना होता है, ना ही हमारे पास उस वक्त आधार कार्ड नंबर होता है, ना ही हमारे पास आधार कार्ड होता है। तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं अपना आधार कार्ड, उस केस में फ्रेंड्स हम अपना आधार कार्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी भी सिस्टम या पीसी से। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। और आप तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। जैसे ही आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाता है तो सबसे पहले इसे डेस्कटॉप मोड पे लेके चले जाइए, ताकि आप जो भी साइट इसे ओपन करें तो आपका पूरी तरीके से ओपन हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब ऊपर की तरफ देखेंगे, लास्ट कॉर्नर में आपका थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपका क्लिक हो जाएगा, उस पर आपका ऑप्शन देखेंगे नीचे की तरफ डेस्कटॉप साइड, इसके आगे आपको बॉक्स में टिक करना होगा। उसके बाद सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे UIDIA। जैसे आप इसे सर्च कर लेंगे, सबसे ऊपर जो आपका लिंक आ रहा होगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, UIDI.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक आपका होम पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको गेट आधार के ऑप्शन पे जाना है। उसमें आप देखेंगे और भी ऑप्शन आपके शो कर रहे होंगे, उसमें आपको देखना होगा रिट्राइव लॉस्ट एंड फॉरगेटन EID एंड UID, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर लेंगे, इसमें आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी। जिसका आप आधार नंबर सर्च कर रहे हैं उसका आपको नाम लिखना होगा यहाँ पे पहले। जैसे कि मैं अपना नाम सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप सेम उसी तरीके से किसी और का भी नाम सर्च कर सकते हैं जिसका आपको आधार कार्ड नंबर सर्च करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ मैं पहले, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देंगे, फिर उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपका OTP आपके मोबाइल नंबर पे पहुंच चुका है, फिर यहाँ पर आप OTP फिल करेंगे। फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपका एक मैसेज शो करेगा जिसमें आपका लिखा होगा UID इज सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसका मतलब यह है कि आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया होगा। वो कैसे सेंड करा हुआ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि आप अपने खोए हुए आधार कार्ड नंबर को कैसे सर्च आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी किसी भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।